दोस्तों, इस दुनिया में एक से बढ़कर एक आविष्कार हुए हैं, जिनसे मनुष्यों के जीवन में एक क्रांति सी आ गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे आविष्कार के बारे में बताएंगे जिनका आविष्कार गलती से हो गया था। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। पेंसिलिन। इस आविष्कार की खोज स्कॉटलैंड में वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा हुई थी। यह टाइफाइड से संक्रमित गिनी सूअरों के इलाज के दौरान उन्होंने स्वतंत्र रूप से पी ग्लोकम के उपचार संबंधी गुड़ की खोज की है। यह इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं है कि इस जांच में प्रयुक्त सक्रिय रसायन वास्तव में पेंसिलिन था। उन्होंने पेंसिलियम मोल्ड की संस्कृति को पारदर्शी बनाने के लिए पेंसिलिन शब्द का इस्तेमाल किया था। माइक्रोवेव। इस आविष्कार की खोज सन 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका में वैज्ञानिक पर्सी स्पेंसर के द्वारा हुई थी। साल 1945 में जब स्पेंसर रेडार सेट के लिए मैग्नेट्रॉन के निर्माण पर काम कर रहे थे, तब माइक्रोवेव की अवधारणा का आविष्कार किया गया था। जब स्पेंसर एक सक्रिय रेडार सेट के सामने खड़े थे तो उन्हें पता चला कि उनकी पॉकेट में खड़ी कैंडी पिघल रही है। अंततः उन्होंने इस कारण का पता लगाया। तब अंततः विद्युतीय चुंबकीय तरंगों का उपयोग करके माइक्रोवेव का आविष्कार किया गया। वेलक्रो। इस अनोखे आविष्कार की खोज स्विट्जरलैंड में वैज्ञानिक जॉर्ज डी मिस्ट्रल ने सन 1948 में किया था। उन्होंने वेलक्रो का पता तब लगाया जब वे जंगलों में टहल रहे थे और अचानक उन्होंने देखा कि उनकी पैंट से कुछ चिपका हुआ है। उन्होंने इसकी जांच की और बाद में वेलक्रो नाम के उत्पाद का निर्माण किया। वेलक्रो में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं जो उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखता है। टेफ्लोन। ड्यूपोंट में अपने काम के दौरान रॉय प्लंकेट ने पाया कि बोतल के भीतरी भाग को मोम जैसी सफेद सामग्री से लेपित किया गया था। वह अजीब तरह से फिसल रहा था। विश्लेषण में पता चला कि यह पॉलीफराइज्ड पेफ्लुओरीथिलीन था, जिसमें कंटेनर के अंदर का लोहा उच्च दाबों पर एक उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा था। इस तरह से टेफ्लोन का आविष्कार किया गया, जो कि अब चिपचिपाहट से बचने के लिए खाना बनाने वाले बर्तनों पर लेपित सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता था। पेसमेकर। जब बफेल विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर ने उनके प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया, तब यह आविष्कार अस्तित्व में आया। फिर इन्होंने हृदय की धड़कन को मापने के लिए 10,000 ओम प्रतिरोधक क्षमता वाला एक बॉक्स तैयार किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक सर्किट का निर्माण हुआ जिसके माध्यम से 1.8 मिलीसेकंड के लिए एक संकेत उत्पन्न किया गया और फिर यह 1 सेकंड के लिए उसे रोक दिया गया। यह पेसमेकर उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्हें हृदय की समस्या है, विशेष रूप से दिल की धड़कन से संबंधित समस्या होती है। न्यूटन और गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की अवस्था उस समय अस्तित्व में आई जब न्यूटन अपने बगीचे में सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और उसी समय एक सेब पेड़ से गिर गया था। सेब के गिरने पर न्यूटन आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद उन्होंने कई प्रयोग किए और फिर महसूस किया कि यह एक आकर्षण बल है जो सभी वस्तुओं में पाया जाता है। अपने इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का विस्तृत सिद्धांत दिया था। बैकेलाइट। विलोक्स फोटोग्राफिक पेपर के आविष्कार के दौरान बैकलाइट ने फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड पर दबाव और तापमान को नियंत्रित करके एक कठोर और लचीले सामग्री की खोज की, जिसे उन्होंने बैकेलाइट का नाम दिया, जो कि पहली थर्मो टेस्टिंग प्लास्टिक थी। स्लिंकी। इस आविष्कार की खोज साल 1940 के प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में वैज्ञानिक रिचर्ड जेम्स ने किया था। फिलेडेल्फिया में विलियम क्रेम और सोन्स शिपीडर्ड ने अपने काम के दौरान वह अचानक आश्चर्यचकित हो गए थे जब एक अलमारी से स्प्रिंग खुद ब खुद बाहर आ गई थी और स्प्रिंग श्रृंखला में धनुष के आकार की किताबों के ढेर टेबल टॉप और जमीन पर झुक गई थी। इस घटना ने उन्हें इस तथ्य की खोज के लिए प्रेरित किया और नतीजन उन्होंने
स्लिंके की खोज की। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट छोटूनाई.com पर भी विजिट कर सकते हैं।